आज के इस वीडियो में ब्रदर के ऐसे चार लेजर प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बाकी कंपनियों से अगर कंपैरिजन किया जाए इस प्रिंटर का, तो बहुत ही बेहतर और प्राइस में सस्ता भी पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेजर प्रिंटर का यूज स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए आप कर सकते हैं, यदि आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो। दोस्तों, जहां लेजर प्रिंटर की बात आती है वहां पे इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही अच्छा होता है अगर कंपैरिजन किया जाए इंकजेट प्रिंटर से, और इसकी जो कॉस्ट आती है पर पेपर पे वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो हम चार प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे लिस्ट का पहला प्रिंटर है ब्रदर का, जिसका मॉडल नंबर है HL-B2000D मोनो लेजर प्रिंटर। दोस्तों, यह प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर है और इस प्रिंटर से सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, इसमें स्कैनर नहीं दिया हुआ है। और जहां तक ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर की बात आती है, तो यहां पे अगर ऊपर उसके पेपर रख देते हैं तो ऑटोमेटिक ये पेपर को खींचेगा, दोनों तरफ का स्कैन करके एक बार में प्रिंट करके आपको देगा। तो इसे बोलते हैं ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर। अब बात आती है कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, इस प्रिंटर में जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो सिर्फ 2.0 USB केबल के थ्रू इस प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्रिंटर की स्पीड क्या है। तो इस प्रिंटर का 34 पेज पर मिनट यह प्रिंट करेगा, और इस प्रिंटर में जो पेपर यूज होंगे A4, A5, B6, लेटर, लीगल साइज पेपर, इस तरह के सारे पेपर यह एक्सेप्ट करेगा। अब बात आती है कि पर पेज कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो 33 पैसा पर पेज इसका कॉस्ट आएगा। अगर इस प्रिंटर की प्राइस देखा जाए तो यह प्रिंटर 9,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर है, जिसका मॉडल नंबर है ब्रदर HL-B2080DL मोनो लेजर प्रिंटर। दोस्तों, यह प्रिंटर जो ब्रदर का जो पिछला प्रिंटर हमने बताया है 2000, सेम वैसा ही प्रिंटर है, लेकिन इस प्रिंटर में एक फंक्शन बढ़ गया है, यानी कि जो कनेक्टिविटी की सुविधा है इसमें वाईफाई डायरेक्ट और ईथरनेट की सुविधा दी गई है, जिसके थ्रू आप किसी राउटर से कनेक्ट करके कई सारे कंप्यूटर से उसे कमांड दे सकते हैं या प्रिंट दे सकते हैं, या फिर यदि आप मोबाइल से प्रिंट करना चाहते हैं तो वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू इसे प्रिंट दे सकते हैं, या फिर यदि आपके पास राउटर नहीं है, आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं और आपके पास यह प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर को लैन के थ्रू कनेक्ट करके सारे कंप्यूटर से इस प्रिंटर को प्रिंट दे सकते हैं। तो इस प्रिंटर में ये सुविधा बहुत ही अच्छी है। और इस प्रिंटर में भी ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर है, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है 33 पैसा पर पेज पे आएगा, और जो इसकी स्पीड है वो 34 पेज पर मिनट यह प्रिंट करके देगा। और इस प्रिंटर में भी सिर्फ प्रिंटिंग की सुविधा दी है, स्कैनर यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों प्रिंटर को सिंगल फंक्शन प्रिंटर कहा जाता है। और दोस्तों, अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है 14,000 रुपये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी यह मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रिंटर है ब्रदर DCP-B7500D मल्टी फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर। यह ऑल इन वन प्रिंटर है और इस प्रिंटर से सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रिंट, स्कैन, कॉपी, ये तीनों चीज़ें इससे कर सकते हैं। और इस प्रिंटर में ऑटो डुप्लेक्स का भी सुविधा दिया हुआ है, और इस प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड बाकी पिछले प्रिंटर के ही बराबर है, यानी कि इसकी प्रिंटिंग स्पीड है 34 पेज पर मिनट, और इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी 33 पैसे पर पेज पे आएगी। अब इसकी कनेक्टिविटी की देखा जाए तो इसमें 2.0 USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक इस प्रिंटर की कंपैटिबल की बात आती है, या फिर ब्रदर कंपनी के प्रिंटर जो भी प्रिंटर आएंगे, वो सारे प्रिंटर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो या फिर वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सपोर्ट करता है।
इस प्रिंटर में एक और खास चीज़ दिया हुआ है कि इस प्रिंटर में एक LED मिलेगी जिससे इस प्रिंटर को ऑपरेट करने में बहुत ही आसानी होगी। अब बात आती है इस प्रिंटर की प्राइसिंग की, तो इस प्रिंटर की जो प्राइस है 14,796 रुपीज़ में यह प्रिंटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है ब्रदर DCP-B7535DW। यह प्रिंटर भी मल्टी फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है। यह प्रिंटर पिछले प्रिंटर के तरह ही इसमें भी सारी खूबियां हैं, यानी कि इसमें प्रिंट, कॉपी, स्कैन, साथ ही साथ इसमें ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग की भी सुविधा दी गई है। लेकिन पिछले प्रिंटर से और इस प्रिंटर में बस एक फंक्शन अधिक है कि इसमें वाईफाई एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो 2.0 USB के से कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट और ईथरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत ही बेहतर बनाती है इन प्रिंटरों को नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ने के लिए। और इस प्रिंटर की जो स्पीड होगी बाकी जो तीन प्रिंटर बताए हैं उतना ही स्पीड इसकी भी मिलेगी, यानी कि 34 पेज पर मिनट की इसकी स्पीड मिलेगी और जो इसकी कॉस्ट होगी वो 33 पैसा पर पेज होगी। अब इसमें जो पेपर साइज होगा वो पेपर साइज भी पिछले प्रिंटर की तरह, यानी कि A4 लीगल, A5, A6 लेटर पेपर, इस तरह के सारे पेपर यह प्रिंटर एक्सेप्ट करेगी। अब बात आती है इस प्रिंटर की प्राइसिंग की, तो इस प्रिंटर का जो प्राइस है वो 18,500 रुपये में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सभी जो प्रिंटर हैं बहुत ही बेहतर कम कॉस्ट में बाकी कंपनियों की अपेक्षा देखा जाए तो इन प्रिंटरों की क्वालिटी के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से इनकी प्राइस बहुत ही कम और सस्ता है। तो दोस्तों अपने बजट के अनुसार, अपने काम के अनुसार इन प्रिंटर्स में से कोई एक प्रिंटर आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा प्रिंटर पसंद करते हैं, कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।